सियोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं शेर खान से ये डिस्कस करने के लिए। कल जो डील आई है डालमिया सीमेंट की, डालमिया वैसे ही बहुत शानदार काम कर रही है एज अ कंपनी, लेकिन कल जो उन्होंने सीमेंट प्लांट के बायआउट की बात की है उससे क्या फर्क पड़ता है डालमिया को, उनके वैल्यूएशंस कैसे चल रहे हैं इस समय और सीमेंट में कौन से स्टॉक में पैसा बन सकता है यहाँ से भी? रेनल्ड आपने कैसे एनालाइज किया? गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। कल की अगर हम दालमिया भारत की डील को देखें तो एक अच्छे वैल्यूएशन पे वो डील उन्होंने एग्रीमेंट किया है जो कि $73 पर टन है। अगर आप रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बात करें सीमेंट की कैपेसिटी की तो वो $120 पर टन के अराउंड मूव होती है। तो ये जो 5,666 करोड़ उन्होंने पे किया है 9.4 मिलियन टन कैपेसिटी के लिए और $73 पर टन पे, तो वो एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। दूसरा पॉजिटिव उसमें वो है कि उनको, जैसे दालमिया आपको मालूम ही है कि ईस्टर्न रीजन में एक अच्छी लीडरशिप पोजीशनिंग है, उनका साउथ में एक्सपोजर है, तो एक सेंट्रल मार्केट में उनको एक फुटप्रिंट मिलता है। इससे ये कैपेसिटी एक्वायर होने के बाद उनका 10% कैपेसिटी शेयर होगा सेंट्रल रीजन में। तो ये उनके ओवरऑल एक जो विजन है टू बिकम अ पैन इंडिया प्लेयर बाय FY31 विद अ कैपेसिटी ऑफ 110 से 130 मिलियन टन की, तो ये एक एक कदम है उसकी तरफ बढ़ाया है कि एक पैन इंडिया प्लेयर के रूप में आगे आए। तीसरा एक पॉजिटिव वो भी देख सकते हैं कि जैसे ये डील के लिए अल्ट्राटेक है, अदानी ग्रुप है, उनके भी मीडिया सोर्सेस से न्यूज आ रहे थे कि ये एक्वायर करना चाहते हैं 5,000 करोड़ के वैल्यूएशन के करीब, तो दालमिया ने उन दोनों बिडर्स को भी आउटपेस किया है और एक अच्छा एक्विजिशन किया है। इससे उनका एक फास्टर कैपेसिटी एडिशन होगा और पैन इंडिया प्लेयर की तरफ वो बढ़ेंगे। ऊपर से जो नेट डेट, जो उनका लीवरेज है वो बहुत कंफर्टेबल है। अभी तक क्वार्टर टू अगर एंड की बात करें तो आप नेट डेट टू इक्विटी या नेट डेट टू एबिटा देखें तो वो जस्ट 0.04x था और 0.32x था, तो एक बहुत कम लीवरेज था। तो इस एक्विजिशन से उनके बैलेंस शीट पे एक ज्यादा असर नहीं रहेगा और आगे जाके वो ट्रिम डाउन होगा बट उसके बेनिफिट्स उनको मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम एक्विजिशन अगर प्राइसेस की बात देखें तो ईस्टर्न और सेंट्रल रीजन्स में भी नवंबर में हमने देखा है प्राइसेस इंप्रूव हुए 3-4% मंथ ऑन मंथ, तो वो भी एक बहुत अच्छा एक सिग्नल है दालमिया भारत के लिए इस समय। ओवरऑल हम सीमेंट सेक्टर की एज अ होल बात करें तो नवंबर मंथ में हमने देखा है कि डिमांड पिकअप किया है, जहां पे अक्टूबर में हमने एक वीकनेस देखी थी फेस्टिव सीजन की वजह से, जहां पे DIPP रिलेटेड प्रोडक्शन डेटा है या सीमेंट जो रेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है उसने मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन देखने को मिला था, बट दिसंबर में हमने देखा है कि सीमेंट ट्रांसपोर्ट रेल में 3% मंथ ऑन मंथ इंक्रीज हुआ है, 18.5% YOY इंक्रीज हुआ है, तो ओवरऑल डिमांड एक पिकअप होती हुई दिख रही है। दूसरा एक मेजर चीज था कि डोमेस्टिक जो पेटकोक प्राइसेस थे तो 1 दिसंबर से 6% मंथ ऑन मंथ करेक्शन हुआ है, जो कि अक्टूबर और नवंबर में 15% और 5% मंथ ऑन मंथ इंक्रीज हुए थे, तो एक दिसंबर में एक डिमांड आउटलुक अच्छा हुआ है, पेटकोक प्राइसेस कम हुए हैं और जो सीमेंट की प्राइसेस है वो अगर आप अक्टूबर नवंबर की एवरेज देखें तो 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव हुए लास्ट क्वार्टर से, सो ओवरऑल एक पॉजिटिव ट्रेंड इमर्जिंग आ रहा है। एक की टेलविंड है सेक्टर के लिए एक अपकमिंग जो बजट आ रहा है उसमें भी जैसे कि मान रहे कि फोकस रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट पे, ऊपर से इनकम टैक्स स्लैब का भी रिवीजन पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो वो सारी चीजें एक पॉजिटिव डिमांड सेंटिमेंट की तरह से उभर के आ रही है ये सेक्टर के लिए। तो हमारे जो प्रेफर्ड पिक्स है सीमेंट स्पेस में वो है अल्ट्राटेक है, दालमिया भारत है, जेके लक्ष्मी है और श्री सीमेंट है। राइट, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रेनॉल्ड इस एनालिसिस को शेयर करने के लिए। तो जो की बातें निकल कर आई हैं वो ये कि डालमिया एक पैन इंडिया प्लेयर बनने की कगार पे 9% का मार्केट शेयर हो जाएगा अगर उसके पास जेपी के असेट्स भी अटैच होते हैं और कैपेसिटी जो एडिशन हो जाएगी वो लगभग बढ़कर अब 75 मेट्रिक टन हो जाएगी FY27 तक।
बहुत बहुत शुक्रिया रेनॉल्ट ये सारी चीजें हमसे शेयर करने के लिए। चलिए एक बार इसी स्टॉक पर और साथ ही कंपेरेटिव स्टॉक्स जो है उन पर भी एक चार्ट चेक ले लेते हैं वैशाली से। वैशाली, इस पूरे स्पेस में, सीमेंट स्पेस में, इनफैक्ट मिड टियर सीमेंट स्पेस में भी बहुत इंटरेस्ट था और लगातार बायआउट कैंडिडेट्स थे या एक्विजिशन की बहुत सारी खबरें थी इस पूरे स्पेस में, और अब जब ये मटेरियलाइज हुई है, आप डालमिया भारत को कैसे देख रही हैं और पूरे सीमेंट पैक में मिड स्पेस में भी कुछ और कोई सीमेंट स्ट्रॉन्ग दिख रहा है? डेफिनेटली। सो एक्चुअली जब सीमेंट की पूरी बास्केट शुरू हुई तो ऑफकोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल द चोजन वंस वर अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी एंड ऑल। और अब जैसे चार्टिकली प्रेजेंटेशन है तो आई थिंक डालमिया भारत जैसे कल की कैंडल बनी है और मैं वीकली चार्ट भी देख रही थी, आई थिंक यहाँ पे भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है 1800 के सपोर्ट के साथ। और पोजिशनल के लिए आई थिंक ये स्टॉक 2500 तक जा सकता है। इंडिया सीमेंट की बात करें तो काफी समय से कंसोलिडेशन है बिटवीन 240 टू 255 260 लेवल्स। एक बार डिसाइसिव मूव 263 के ऊपर जाए तो आई थिंक देन इस स्टॉक में फर्दर स्ट्रेंथ दिखे टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 280 टू 300 लेवल्स। सो इंडिया सीमेंट टेक्निकली वेरी वेल प्लेस्ड टू बाय, तो पोजिशनल ट्रेड के लिए इंडिया सीमेंट सही रहेगा। बाकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए मेरा अभी भी व्यू अंबुजा सीमेंट में पॉजिटिव है 570 के सपोर्ट के साथ, नियर टर्म टारगेट वुड बी 610। सो ओवरऑल सीमेंट में मुझे सभी ये तीन चार स्टॉक्स ज्यादा फेवर्ड है।